हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस वीडियो इज दार्टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एस वाई बी कॉम स्टूडेंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द एस वाई बैफ स्टूडेंट्स तो ये दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन से तो हमने लास्ट लेक्चर में काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक आपको अवेलेबल है आई बटन में वहां से आप देख सकते हो और ये सेशन के बेसिस पे भी आपके काफी सारे एम क्लियर होने वाले वेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू पब्लिक इट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट शेयर तो सिंपल क्वेश्चन है कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार फ्रेश इशू पब्लिक इशू करता है या पब्लिक के पब्लिक पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू करता है तो उसे कहते हैं आईपीओ कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एक लिस्टेड कंपनी जब अपने शेयर्स को सेल आउट करेगा तो दैट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफरिंग तो ध्यान रखना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फर्स्ट टाइम शेयर्स मिलेंगे ठीक है अभी बहुत सारे आईपीओ आपने देखे होंगे बहुत सारे आई अभी आ रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स है फिर बारबिक्यू नेशन है बहुत सारे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है बहुत सारे रेल टेल का हुआ आईपीओ तो ये पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं तो उसके लिए हम आईपीओ में पैसा लगाते हैं और बाद में जब वो लिस्ट हो जाते हैं तो हमें प्रीमियम पे पैसा मिलता है तो इसीलिए पीपल आर इन्वॉल्व बेसिकली इन दी आई पी ओ दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो राइट आंसर इसका है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड बैंक ओवर ड्राफ्ट इज शोन अंडर दी हेड डैश इन द बैलेंस शीट तो बैंक ओवर ड्राफ्ट कहां शो किया जाता है बैलेंस शीट में करंट असेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवर ड्राफ्ट जो है हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शो किया जाता है राइट इक्विटी शेयर्स आर इश्यू टू दैट इज राइट शेयर्स एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स या डायरेक्टर्स तो हमने पिछले सेशन में स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात की थी कि स्वीट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉज को इशू किया जाते हैं जो राइट इक्विटी शेयर्स है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाते हैं लेकिन ये फ्री में नहीं मिलते इसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स करंट असेट्स

फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टिल द लास्ट डे फिक्स फॉर पेमेंट मतलब ऐसा पैसा जो लास्ट डे फिक्स जो किया है तब तक भी हमें वो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं कॉल्स इन एडवांस ऑब्वियसली एडवांस नहीं हो सकता कॉल्स इन एरियर्स रिफंड ड्यू एलॉटमेंट मनी ड्यू तो इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स मतलब उतना पैसा पेंडिंग है अभी तक पैसा भरा नहीं गया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स और अगर भर दिया होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इट इज कॉल्ड एज हैंडसेक कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो अप्लाइड किया गया है वो लेस है देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि कम जो ए लिमिटेड एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी को एक लाख शेयर्स इशू करने हैं उन्होंने सोचा कि एज पर दी ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम लोग एक लाख शेयर्स को इशू करेंगे लेकिन जब लोगों ने उनके कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया तब सिर्फ अस्सी हजार के लिए ही अप्लाई किया अभी कंपनी चाहता है एक लाख इशू करना लेकिन उनको अस्सी हजार का ही पैसा मिला है तो ऐसे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट तो उसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना कंपनी ने सोचा था उतना पैसा आया ही नहीं वन लैख सोचा था और एटी थाउजेंड आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन वन लैख सोचा और वन लैख ,00 ट्वेंटी आया तो ओवर सब्सक्रिप्शन ध्यान रखना दोनों कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज सेक्शन फिफ्टी थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टी प्रोहिबिट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स एट पार तो इंपॉर्टेंट सेक्शन 53 जो है एक कंपनीज एक्ट 2013 का वो कहता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो यू माइट बवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हम डिविडेंट देने के लिए यूज कर सकते हैं बेसिकली डिविजिबल प्रॉफिट से ही हम सीआरआर को क्रिएट करते हैं तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रिडम्प्शन ऑफ प्रेफरेंशियस डिविजिबल प्रॉफिट का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है ऐसा पूछ रहा है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये तीनों के तीनों जो है दिस तीनों के तीनों रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफ़िट में आते हैं मतलब ये तीनों के तीनों रिजर्व से आप सी को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन कैपिटल रिजर्व इज कंसिडर एज अ नॉन डिविजिबल प्रॉफ़िट इसीलिए उससे आप सी क्रिएट नहीं कर सकते तो इसे इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा था तो राइट आंसर इसका है कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट अंडर रिडम्शन ट्रांसफर टू तो रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स के लिए एक मेथड है सिंकिंग फंड मेथड तो जब आप सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाते हो तो लास्ट में जो सिंकिंग फंड अकाउंट है उसके लेजर को क्लोज करके वहां से हम बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे दैट वी आर ट्रांसफरिंग टू टू अ सेपरेट अकाउंट तो वो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वॉट एवर बैलेंस वी आर गेटिंग इन द सिंकिंग फंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिडमशन रिजर्व डिबेंचर रिडमशन रिजर्व या जनरल रिजर्व तो याद रखना काफी इम्पोर्टेंट एमसी है कि सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस होता है वो हम हमेशा जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कहाज अवर लास्ट क्वेश्चन द बैलेंस ऑफ शेयर फोर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट सिंकिंग फंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेन एवर द कॉल्स आर नॉट पेड जैसे कि कॉल्सिन एरियर्स है हमने बोला पैसे भरो लेकिन सामने वाले शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं भरे तो उनके शेयर्स कंपनी क्या करेगा फोरफिट कर लेगा मतलब उनके शेयर्स उनको कंपलसरी सरेंडर करने पड़ेंगे दैट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स फिर फोरफीचर हो जाएगा और फोरफीचर के बाद क्या होता है रीइशू भी होता है तो फोर में शेयर फोर फीचर में वैल्यू आती है और री इशू में भी शेयर फोर फीचर में वैल्यू आती है ये जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है दैट शेयर फोर फीचर बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ध्यान रखना इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए एम सी क्यू उसके साथ अगर आप पहली बार चैनल पे तो पर आओ तो सब्सक्राइब कर ले अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर